कहाँ है अभी हम? अभी हम बेटा कॉपीराइट डाल दूंगा। ओ यहाँ लेग डे चल रहा है। एक पता है ऐसे हाथ रखो रे। चोरी करके लाया। कर यार तुम डाल देगा। करना करना। अरे कर तो सही। आई एम तारिंग। ये प्यारे प्यारे बच्चे सब खेल रहे हैं। कुछ लोग हैं पीछे, कुछ लोग हैं आगे, हम हैं बीच में। अगर ब्लॉग यहीं पे खत्म करो, क्यों बढ़ाए जा रहे हो बे मतलब। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है टी माइनस टू आवर्स और अभी मैं आया हूँ घर के बाहर क्योंकि कार को अभी पहले साफ करूँगा क्योंकि बहुत टाइम से खड़ी है तो इट्स प्रिटी बैड। टडा। तो पहले इसको साफ करते हैं, मिलता हूँ इसको नहलाने के बाद। ये देखो अंदर से कैसी दिख रही है। इसमें शादी के कार्ड वार्ड पड़े तो इन सबको फेंकते हैं। All my friends are here and we are just heading towards Omkareshwar. अभी रास्ते में बाकी की बातचीत करते हैं। अभी let's go. इनके अभी से लड़ाई चालू हो गई बैठने के लिए। Now here I come. पैसे तो पीछे चले जा आकाश। हाँ आकाश। आगे मिलते हैं। आने से आकाश। Bye bye. Bye bye. Bye खुशी। Bye. वो तो चाटेगी। तो गाइज एक लक्ष्मी माता जी की मूर्ति थी, इसका विसर्जन करना था नर्मदा में, तो आई थॉट कि मैं रखना भूल गया तो मैं भाग के घर आया। फिर घर पे मम्मी ने बोला कि तूने डिक्की में रख ली। तो गाइज अभी पेट्रोल भी डलवा लिया है, अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे एक काल भैरव का मंदिर आता है रास्ते में, तो उसके पहले हम रुके नाश्ते के लिए। यहाँ पे लाइन से नाश्ते के ये और पीछे साइड देखोगे तो यहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं बाहर के एक वाले पेड़ के ऊपर गाय के। हाँ चले ब्रो नाश्ता करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहनो, ये पहन के लुक दिखाओ लोगों को। मस्त लिखा क्या है पीछे? पर मस्त लग रहा है आ रजे आज तू। लुकिंग गुड। सो वी आर ईटिंग आलू बड़ा। तो गाइस हमारा नाश्ता हो गया, अब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी यहाँ गूगल मैप पे बता रहा है कि आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उस वजह से अभी जाम लगा हुआ है और ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गया हमको इसी जाम में। अब देखते हैं कब तक खुलता है। तो गाइस यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और हम अभी थोड़ा सा फोटोशूट करने के लिए रुके हैं। वहाँ पे ट्रैक है जो कि बंद हो चुका है, वहाँ पे ट्रेन नहीं आती,
तो हमने सोचा कि वहाँ पे चल के फोटो शूट करते हैं, क्योंकि हमारा आकाश अपने साथ कैमरा भी लाया था, सो वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, एकदम तगड़े तगड़े फोटो खिंचाएंगे और फिर मैं ऐड कर दूँगा। वो हमारा छपरी दोस्त बैठा है और ये फोटोशूट चल रहा है। छपरी दोस्त अभी बाल नमकीन करवाएगा थोड़ा। चेंज कर दे रहा तेरा स्टेटमेंट वरना कॉपीराइट डाल दूंगा। छपरी दोस्त अगेन, छपरी इन द हाउस। हम होमीज के साथ कवर करो ना, एक बार लेके आऊंगा। हाँ अच्छा लग रहा है, बैग ले जा, चोरी करके लाया। जाओ जाओ चल के आ रहा। हल्का होने जा रहा है। हाँ धूप में हो जा हल्का। BTS अभी आकाश का भयंकर वाला फोटोशूट चल रहा है, मतलब आकाश भयंकर वाला फोटोशूट कर रहा है और वहाँ हमारा किंग ऑफ एस्थेटिक्स बैठा है और यहाँ लेग डे चल रहा है। एक पता है ऐसे हाथ रखो ऐसे ऊपर लगा रहा है। हाँ ये यानी कि तब अपनी सेटिंग से लगा कर यार तुम डाल देगा करना करना। अरे कर तो सही। छपरी छपरी एक बार कर। छपरी आई एम ऑन पटरी, यस आई एम छपरी। जिम फ्रीक फ्लेक्स कर एक बार। नाउ बाइसेप अच्छे से पकड़। सो गाइज डन विद फोटोशूट, अब हम निकल रहे हैं आगे ओमकारेश्वर के लिए। ऑलमोस्ट आधा घंटा यहाँ पे हमने लगाया बट फोटोज बहुत अच्छे हैं। पहले जाएंगे नर्मदा घाट में नहाएंगे, नर्मदा माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे। भाई दर्शन करने से इतना चल के इधर। तो आकाश कैसा लग रहा है आपको बड़े होके पहली बार ओमकारेश्वर आए हो? बहुत अच्छा। नहीं छोटे में आता था बस, छोटे में मम्मी की गोद में। आपको कैसा लग रहा है? अपना तो रोज का है, घर वाले हर साल उठा के ले आते हैं। रोज का घर वाले बोलते चल ड्राइव कर ओमकारेश्वर तक। और क्या, अनीश कूद गया तू? जा भूपेश कूदी जा, अक्षय कूदी जा, तू बैक फ्लिप मार। सो गाइस अभी जो वाटर लेवल है वो बहुत ही कम है, पूरे पत्थर पत्थर दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, मतलब देखो वहाँ पे लोग चल चल के जा रहे हैं, इतना कम पानी है। तो गाइस ये भी पीछे नर्मदा, अब हम इसमें जाएंगे डुबकी मारने। कम ऑन अनीश, ये लड़कियों जैसे कपड़े पहन के उतारना। उतारिंग ये हमारा एस्थेटिक। हाँ भाई हाँ। अक्षय भाई गिर गए। और ये लक्ष्मी माता की मूर्ति जो मम्मी ने दी है विसर्जन के लिए, तो अभी इसका विसर्जन करेंगे जाके। ये प्यारे प्यारे बच्चे सब खेल रहे हैं।
कुछ लोग हैं पीछे, कुछ लोग हैं आगे, हम हैं बीच में। यहाँ पे पानी बहुत कम है, मतलब घुटने से भी नीचे पानी है, बट पत्थर इतने सारे तो मैं बैठ बैठ के जा रहा हूँ, बिकॉज काई है तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अनिकेत आ जाओ, अनिकेत, अक्षय, अभिषेक, अनीश, आकाश, रुपेश, मछली आकाश, हमारी मछली ये है हमारी फिसल पट्टी। रुपेश सही जा, सही जा रुपेश। जाओ 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 धक्का मार इसको। अरे अबे ऐसे क्या फिसल रहा है, जोर से फिसल। तो हम वो वाले एक नागर घाट से यहाँ तक आए बोट में बैठ के। तो गाइस अभी हम नींबू पानी पियेंगे जिससे हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी आए, बिकॉज हमने बहुत खेला पानी में और हम थोड़ा थक गए, तो एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे मंदिर के अंदर, दर्शन करेंगे, बिलेट सी आगे जा करेंगे। लाइन में खड़े हैं, पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे। हर हर महादेव। भूपेश नहीं, वो तो आएगा तेरे। दर्शन करके निकले और 6 बज गए, 2-2.5 घंटा तो हमको लगा ही है यहाँ पे, मतलब 3 घंटा मान लो, 3 घंटे हम लाइन में। भीड़ देखो कितनी सारी। हर हर महादेव। सो गाइस ये हमने प्रसाद भी ले लिया घर वालों के लिए और ये जा रहा है अभी बैग में। गया ओरियो, ओरियो खाएंगे, निकाल इसको उठा। ओरियो
हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कितना जाम लगा है। सो गाइस ये टू वे है, पर यहाँ से गाड़ियां यहाँ तक आई है, तो आगे वाला कहाँ से आएगा। सो गाइस अभी हम लोगों ने थाली ऑर्डर करी है और थाली आने में 15-20 मिनट लगेगा, तब तक हम टाइम पास करेंगे। और मेरी आंखों में नींद आ चुकी है गाड़ी चला चला के, और रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, मतलब बहुत बार आ चुका हूँ ओंकारेश्वर, लेकिन इतना ट्रैफिक आज तक कभी नहीं मिला। सो इट वॉज़ अ वेरी बिजी रोड। सो गाइस ये हमारी थाली आ चुकी है, सबकी थाली। चलो भाई आ गए हैं, तेरे को बात करनी है। सो गाइज अभी हम अक्षय के घर आ चुके हैं, मैं, आकाश, उपेश और ये बोब्रेमोन अनिकेत, हम सब आ गए अक्षय के घर। अब यहीं सोएंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे मैं और आकाश, और ये भी निकलेगा। हाँ। अगर मेरी इच्छा हुई तो लेके जाऊंगा, नहीं तो देख लिया बस बस पकड़ के, ठीक है ना। आप क्या घुमा लिया ना, आप क्या घर छोड़ के। अक्षय कैसा लगा घूम के? मस्त, मजा आ गया भाई। आकाश हाउ वाज द डे? बहुत बेस्ट। भूपेश सर? बहुत बढ़िया। अरे इतना ठंडा रिएक्शन। सो गाइस अभी सुबह उठेंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे। तो गाइस अजय ने बहुत डिफिकल्ट ड्राइविंग करी है। अबे ब्लॉग यहीं पे खत्म करो, क्यों बढ़ाए जा रहे हो बे, मतलब में कंटेंट बंद करो, बढ़ेगा सुबह तक जाएगा पूरा ब्लॉग। देखो नहीं देखा तो सुबह भी देखो, सुबह शर्म करो आप। सुबह भूपेश चाय बनाएगा और हम चाय बिस्किट खाएंगे, वो भी देखना, सुबह का भी देखना, अभी सो रहा है। कौन कौन? ये सुबह हो जाएगी 3-2-1 में। अक्षय क्या बना रहा है? चाय बन रही है गाइस हमारी, तो टेढ़ा ही अच्छा है भाई। चौकीदार को क्या बोलूं? साजे तू गाजे भाई, बहुत भयंकर है वो, ऐसे ही रहना। बहुत सो गाइज अभी यहाँ अक्षय के घर के पास में एक गार्डन है, वहाँ पे हम आए हैं और अभी सुबह सुबह थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे हैं, उसके बाद फिर निकल जाएंगे, फिर वहाँ से अनीश आकाश को लेके जाएगा घर और मैं भी फिर अपने घर। बाय बाय बाय। जाना क्या है? तू जा फिर जाएगा, ठीक है, चल ठीक है, बाय बाय। सो गाइज अभी आकाश को भी छोड़ दिया अनीश के पास, पूरी कार हो गई है खाली, अब मैं जा रहा हूँ घर। यहाँ चौराहे पे कुछ हो रहा है। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। अभी परसों ही हमारे 5th सेमेस्टर की सारी चीज़ें ख़त्म हुई, मतलब लास्ट एक्सटर्नल था परसों, फिर हमने नेक्स्ट डे ही सोचा सैटरडे भी है तो प्लान बना लेते हैं चलने का। तो ओंकारेश्वर का प्लान बन गया हमारा, क्योंकि फिर शिव जी से अच्छा और कहीं जाते प्लान बना के, तो मतलब बहुत ज़्यादा
कितना ही मजा आया, ब्लॉग में भी आपने देखा ही होगा कितना ज्यादा मजा करा हमने। सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट्स करके बताना कैसा लगा, क्या अच्छा लगा। And stay tuned. I'll see you in the next vlog very soon. Bye bye. खुशी यहाँ पे बैठी है धूप में, धूप से एक रे कंबल के ऊपर लेट के। अरे वो कहाँ ले रही है?